हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए मतलब बहुत कुछ लेके आई हूँ। और पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज सारे शादी में गए हैं और मैं हूँ घर पे अकेली। तो मतलब ये नहीं गए और मैं नहीं गई और सब गए हैं। पापा भी नहीं गए आई थिंक, बट वो दुकान पे हैं। तो बाकी सब चले गए, बच्चे चले गए और आज मैं घर पे अकेली हूँ। आई थिंक कल या परसों आएंगे वापस सारे। तो मैं आज इस वीडियो में आपको क्या क्या दिखाने वाली हूँ वो मैं बताऊँ नहीं बताऊँगी, आगे ही बताऊँगी। तो ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, तो देखते रहिए। पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि ना मैंने जो अपने पिल्लो कवर बनाए थे, मतलब पहले इन पे बनाए हुए थे, वो बहुत टाइम हो गया था, पुराने हो गए थे। तो अभी मेरे पास यही कपड़ा था, दूसरा था नहीं, तो ना इससे मैंने बनाए ये वाले कवर। साइड से मैंने ऐसे कर दिया ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि ना ये कपड़ा कुछ ऐसा था जो ख़राब हो जाए कुछ टाइम में। तो मैंने साइड से ऐसे कर दिया, जब तक मेरे को दूसरा कपड़ा ना मिले तब तक मैंने ये वाला बनाया। और ये भी देखो बहुत सुंदर लग रहा है ना, अच्छे लग रहे हैं। और सेकंड मैं आपको दिखाने वाली थी कि ना ये जो ड्रॉवर है इन पे आज शायद हो पाए या ना पाए, कल तक इन पे लॉक लग जाएगा। लॉक लगाने वाले मतलब बहुत वेट किया है लोग के लिए, कभी कुछ नहीं होता, कभी टाइम नहीं मिलता। तो आज या कल फाइनली ये भी लग जाएगा। और मैंने क्या किया, हाँ मैंने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में। आगे देखते रहिए कि मैंने कैसे मतलब उसकी शुरुआत की, कैसे उसको बनाया और अब वो कैसी दिख रही है। और नेक्स्ट आगे वीडियो में उसको एक दो बार और दिखाऊंगी, कैसे मैंने कहाँ उसको लगाया वो आगे दिखाऊंगी, क्योंकि अभी लगाने वाला सेट नहीं हुआ। बट मैं इतना दिखाऊंगी कि वो बन चुकी है, रेडी हो चुकी है और अब वो कैसी लग रही है। तो अभी मैं सोच रही थी मैगी बनाने का, तो अभी मैं वो बनाऊंगी और साथ साथ में आपको दिखाते जाऊंगी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो ये रही मेरी मैगी और अब मैं जा रही हूँ उसको बनाने, तो चलिए मेरे साथ। तो इस तरह से मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और गर्म हो रहा है। और इसमें मैंने डाल दी राई थोड़ी सी और साथ ही साथ मैंने कट करके रखा है प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और मटर। तो जैसे ही ये गर्म हो जाता है तो हम कटी हुई सारी सब्जियां डाल देंगे। आई थिंक ये गर्म होने वाला है, एक ले लेते हैं चम्मच और इसको रखा, ये हमारी सब्जियां पास में ले लेते हैं। और अब देखिए तेल गरम हो चुका है, तो गैस को कर देंगे थोड़ा धीरे और डाल देंगे इनको। अब इनको थोड़ा मिक्स करेंगे। पहले इनको अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद डालेंगे हम मैगी। तब तक मैगी का पाउच खोल लेते हैं। तो अब मैगी को मैं निकाल चुकी हूँ और मसाले के पाउच है वो कट कर लिए ताकि डालने में आसानी हो जाए। चम्मच पे ही आ गया। तो ये हमारी फ्राई हो चुकी है। इसको हाई फ्लेम पे करेंगे। मेरे को तो अभी से यम्मी लग रही है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी।
पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और हाई फ्लेम पे कर दिया है, और तब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं इनके कुछ टुकड़े कर लेती हूँ। एक हाथ से फोन पकड़ने के लिए कोई है नहीं ना, तो दिक्कत होती है। एक हाथ से ये हो तो गया। तो ये मैंने बनाए हैं 2 पैकेट, क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए और खाना भी हम लोग बाहर खाएंगे। ये तो पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ मसाला, क्योंकि बाद में अच्छे से मिक्स नहीं होता है, पहले डालने पे अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मैंने इसमें डाल दिया 2 पैकेट मसाला। ये देखिए अभी मेरा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है और ये मसाले को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें अपनी मैगी डाल देती हूँ, जो ये गई। बस ये बन जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये लगभग हमारी मैगी तैयार हो गई है, बट अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, तो मैं वेट कर रही हूँ हो जाए, ये सारा पानी गायब हो जाए, तब हमारी मैगी बिल्कुल तैयार है। यम। तो फाइनली अब हमारी मैगी तैयार हो चुकी है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है ना। यम यम। अभी मैं इसको प्लेट में डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ कैसी लग रही है।